नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सकें। दोस्तों, पहली खबर निकल कर आ रही है, जो लोग इंडिया वापस लाए जाएंगे और उनको क्वारंटीन किया जाएगा तो उन्हें क्या चार्ज देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर तो सभी सर्विसेज लगभग फ्री है, पर आपको कुछ मिनिमल चार्जेस देना पड़ सकता है। अगली खबर निकल कर आ रही है स्पाइसजेट एयरलाइन की तरफ से, जहां पर कि स्पाइसजेट एयरलाइन ने मुंबई से बहराइन के लिए कार्गो विमान का संचालन किया है और पहुंचाई करीब 17 टन की क्रिटिकल मेडिकल सप्लाई। अगली खबर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर आ रही है, जहां पर कि दिल्ली एयरपोर्ट अब बताया है, दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑफिशियली अनाउंस करके कि अब फ्लाइट ऑपरेशंस टर्मिनल 3 से सबसे पहले शुरू किए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियां पूरी तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पे अब बरती जाएंगी। अगली खबर है फिलीपींस से दोस्तों, जहां पर कि फिलीपींस ने स्थिति में सुधार करने के लिए फिलीपींस से सभी इनबाउंड फ्लाइट्स को रोक दिया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगली खबर यूएई से निकल कर आ रही है, जहां पर कि 1.5 लाख लोगों ने खुद को किया है रजिस्टर भारत वापस आने के लिए। रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है, आप में से जिन लोगों ने नहीं किया तो आप यूएई में इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है सऊदी अरबिया से, जहां पर कि सऊदी अरबिया में जब टेस्ट हुआ तो पाया गया कि जो 91% लोग हैं वो बाहर से हैं जो कि इन्फेक्टेड है। तो यहां पर अब सऊदी अरबिया इसके रिगार्डिंग इससे निपटने के लिए कड़े दिशा निर्देश का पालन करवाने जा रहा है और फाइनेंसेस में भी सुधार करने जा रहा है। अगली खबर है भारत के एविएशन सेक्टर से, जहां पर कि आपको बता दें कि भारत में एविएशन फ्यूल इतना सस्ता हो गया है कि इस वक्त उसकी कोई बात नहीं हो रही है। पानी से भी सस्ता हो गया है एविएशन फ्यूल, इस वक्त बता दें कि 15 से 25 रुपए लीटर के बीच में इसका प्राइस हो गया है। यहां पर बता दें इतना सब कुछ होने के बाद भी जो एयरलाइन कंपनियां हैं भारत में वो कहीं ना कहीं इस वक्त जो फेयर है उसको कम करने की बात नहीं कर रही है और इंडस्ट्री है उसको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो यहां से रिकवर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अभी तक की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विनायक, फिर मिलने की आशा करते हुए अभी के लिए विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन गुरु। जय हिंद, वंदे मातरम।